हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्रदास। आज हम एक छोटी सी लीला देखेंगे जनक महाराज की। जनक महाराज जो सीता देवी के पिताजी थे, जो मिथिला के राजा थे, उनकी एक आज छोटी सी कथा देखेंगे जनक महाराज। तो एक बार उनके राज्य में यज्ञवाल के मुनि आए और वहाँ पे बड़ा पंडाल प्रोग्राम रखा था, जहाँ पे कई सारे लोग आए थे कथा सुनने के लिए यज्ञवाल के मुनि से। वहाँ पे कई सारे साधु संत सन्यासी भी आए थे, कई सारे बाकी के पब्लिक भी आई थी, और वो यज्ञवाल के मुनि वहाँ पे स्टेज पे आके बैठे और कथा शुरू ही होने वाली थी, लेकिन यज्ञवाल के मुनि थोड़ा इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि अब तक जनक महाराज आए नहीं है, उनके लिए थोड़ा रुकते हैं। तो बाकी के जो सन्यासी थे उस ऑडियंस में, वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे आके बैठे इतने बड़े बड़े सन्यासी, और ये यज्ञवाल के मुनि शुरू क्यों नहीं कर रहे कथा। वो एक गृहस्थ, एक जनक महाराज जो एक गृहस्थ है, एक राजा है, उनके लिए रुके हैं, ये तो हमारा अपमान है। ये राजा क्या है, एक कामी है, एक साधारण गृहस्थ है, उसके लिए क्यों रुकना चाहिए। तो यज्ञवाल के मुनि ये समझ लेते हैं कि इन सन्यासियों के मन में क्या चल रहा है जो ऑडियंस में बैठे थे, लेकिन वो फिर भी रुकते हैं थोड़ी देर। फिर थोड़ी देर में जनक महाराज आके वहां पे बैठ जाते और फिर कथा शुरू होती है। यज्ञवाल के मुनि भगवान के बारे में कथा शुरू करते हैं, कृष्ण कथा शुरू करते हैं, और कथा के दौरान यज्ञवाल के मुनि सोचते हैं कि ये सन्यासियों को दिखाना चाहिए कि ये जो जनक महाराज है, ये साधारण गृहस्थ नहीं है, साधारण राजा नहीं है, भगवान के एक शुद्ध भक्त है, ये दिखाना था उनको। उनको कथा में कितनी रुचि है ये यज्ञवाल के मुनि को उनको दिखाना था, ये सारे सन्यासियों को, ये सारे साधुओं को। तो यज्ञवाल के मुनि एक सिद्धि थे, योगी थे, तो वो क्या करते हैं, कथा चलती थी, चल रही थी, तभी क्या करते हैं, ये जो सारे सन्यासी साधु है बैठे है, उनके जो कुटीर थे आजू बाजू में, उस कुटीर में आग लगा देते अपने सिद्धि के द्वारा। तो जब आग लगती है उनके कुटीर में, उनको जब खबर पहुंचती है कि हमारे कुटीर में आग लग गई, तो तुरंत उड़ जाते हैं कथा से और भाग जाते हैं, बोलते अरे आग लग गई हमारे कुटीर में, और तुरंत पानी लाते हैं, बुझाने का प्रयत्न करते हैं, और आखिर में फिर बुझा देते वो अग्नि, और फिर आके कथा में बैठ जाते। और उनके कुटीर में होता ही क्या है, साधारण कपड़े वगैरह होते, थोड़ा बहुत, ज्यादा सामान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो इतने चिंतित थे कि हमारे कुटीर को आग लग गई। बाद में वो कुटीर का आग बुझा के फिर वो कथा में आके बैठ जाते। फिर यज्ञवाल के मुनि क्या करते, अपने सिद्धि के द्वारा जनक महाराज का जो महल है उसको आग लगा देते। तो जब खबर पहुंचती है जनक महाराज के पास कि आपके महल को आग लग गई है, तो जनक महाराज हिलते नहीं, वे भी बैठे रहते, बोलते आग लग गई ठीक है, चिंता मत करो। फिर दूसरा उनका मैसेंजर आता है और बोलता है जनक महाराज को जल्दी से आ जाइए, आग बढ़ते जा रही है। तो जनक महाराज वो दूसरे मैसेंजर को बिठाते हैं कथा में, आप भी बैठ जाओ, आप कथा सुनो। फिर तीसरा मैसेंजर आता है, बोलता है कि जनक महाराज आपका जो महल है वो पूरा जल गया है, और आजू बाजू के जो महल है उसमें भी आग लग गई है, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। तो जो तीसरा व्यक्ति है उसको भी जनक महाराज बिठाते और बोलते कथा सुनो। और फिर बाद में चौथा व्यक्ति आता है और बोलता है कि आपका जो महल है वो जल गया, आजू बाजू के महल भी जल गए। जनक महाराज बोलते ठीक है, अब सब जल गए ना, तो आप भी बैठ जाओ। चार ही लोगों को उधर बिठा देते और खुद भी कथा सुनते हैं। तो ये जब सारे साधु संत और उधर के जो सन्यासी होते हैं, वो जब देखते हैं कि देखिए जनक महाराज में कथा सुनने के लिए कितनी रुचि है, उनका महल को आग लग गया, आजू बाजू के महल को आग लग गया, फिर भी वो कथा से उठे नहीं, कथा में ही बैठे रहे, और उनके महल में तो इतने सारे कीमती हीरे जवाहरात थे, लेकिन वो गए नहीं। हमारे कुटीर में क्या था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम कथा छोड़ के चले गए, उधर आग बुझा के आ गए, लेकिन ये जनक महाराज उनका महल को आग लग गया फिर भी वो उठे नहीं। तो फिर सारे जो सन्यासी थे उनको पता चल गया कि हालांकि जनक महाराज एक गृहस्थ है, एक राजा है, लेकिन फिर भी भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको कथा में कितनी रुचि है। फिर उनको पता चला और नम्र हो गए। यज्ञवाल के मुनि को ये दिखाना था कि जनक महाराज कितने बड़े भक्त है, उनको भगवान की कथा में कितनी रुचि है। तो आप इस लीला से क्या सीखते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिए कि आप इस कथा से क्या लेसन सीखते हैं, आप इसमें कमेंट में नीचे जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।